दोस्तों, ये बॉश का रेफ्रिजरेटर जो कि कूलिंग नहीं आ रहा है दोस्तों, इसका प्रॉब्लम है बजर का। ये देख सकते हैं दोस्तों, साउंड आ रहा होगा, इसके अंदर बजर का प्रॉब्लम है। बजर के प्रॉब्लम की वजह से दोस्तों इसका फैन भी नहीं फिर रहा है, जो कि कूलिंग प्रॉब्लम दे रहा है। आप सुन सकते हैं साउंड, हमने पहले से ही खोल के रखा हुआ है चेक करने के लिए, ताकि मैं भी आपको बता सकूं कि इसका भी माइनर ही प्रॉब्लम कितना सता सकता है टेक्नीशियन को। ये देखिए दोस्तों, हमने इसको पकड़ के भी रखा है, फिर भी इसका साउंड नहीं जा रहा है। ये देखिए, ये वाला डोर तो हमारा बंद ही है दोस्तों, क्योंकि दोनों स्विच डोर क्लोज करने के बाद फैन फिरना चाहिए दोस्तों, जो कि नहीं फिर रहा है। ये देखिए, छोटा सा प्रॉब्लम ही हमको बहुत सताता है कभी कभार, इसलिए मैं सोचा कि आपको भी थोड़ा सा नॉलेज दूँ। अभी हम इसका डायरेक्ट करके देखेंगे कि आता है क्या नहीं आता है। ये देखिए दोस्तों, हमने स्विच को तो डायरेक्ट किया हुआ है, अभी फैन आ रहा है। ये देखिए, बजर भी कम हो चुका है और फैन भी आ रहा है। तो दोस्तों, हमने तो इसका स्विच चेंज कर लेंगे, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए हमने ये वीडियो निकाल रहे हैं बस। और इसका सिस्टम देखिए दोस्तों, थोड़ा सा बताना चाहूँगा मैं आपको। कूलिंग कॉइल यहाँ पे इसको इस तरह से दिया है नीचे सुलाने के लिए, जो अक्सर क्या होता है पीछे देता है, इधर बॉश कंपनी ने यहाँ पर दिया है, जैसे गोदरेज बॉटम वाला देता ना दोस्तों, उस तरह से। ये देखिए, इसका ड्रेन इधर से है, जो कि बिल्कुल सबसे अलग दिया हुआ है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं। हमने तो इसका चेंज कर लेंगे दोस्तों, नया डाल लेंगे इसको। ठीक है।